मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अल्लाह यार सिप्रा साहब, फ्रांस सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रह चुके हैं, और हमारे छोटे भाई हैं, बड़े प्यारे भाई हैं। इनसे पूछते हैं कि ये जो कल का इवेंट है उसको ये किस तरह देखते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं कहता हूँ जी, ये जो कल वाले हुआ है हमारे भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि हमारे दोस्त वहाँ गए हैं पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए, वहाँ गए हैं वो इस वजह से गए हैं क्योंकि उनके साथ एक जुल्म हुआ है, और वो जो कहते हैं जी हम मसीहा बने हैं, वो तो वहाँ जुल्म करते हैं, लोगों के साथ जुल्म करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए गए हैं, और उन्होंने वहाँ से पथराव शुरू किया है, ज्यादती सारी उन्होंने की है, लेकिन वो जो है हम पे डाल रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जो उन्होंने एक्ट किया है उन्होंने गलत किया, उनके खिलाफ फिल फॉर कार्रवाई होने का, और उनकी गिरफ्तारी तक, ये बिल्कुल उनकी गिरफ्तारी तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। अभी हाई कोर्ट से हमने एक पटिशन भी मूव किया जिसमें हमारे एजाज खान साहब पटिशनर बने हैं, वो सुबह के लिए लगी है, इंशाल्लाह हम इनको छोड़ेंगे नहीं। ये जो कहते हैं ना कि हम लोगों को जो है वो उनका इलाज करते हैं, इनका इलाज पहले करना चाहिए। हाँ सही बात है, इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है कि ये अपने थोड़े से दिमाग भी दुरुस्त रखें और अपने आप को ये इस दुनिया में रहने वाले लोग महसूस करें, कोई हवा में या कोई हवाई या खलाई मखलूक अपने आप को बहरहाल ना समझे। एजाज साहब आप आइए, आपने पटिशन मूव की है, क्या पटिशन में आपने क्या मौका इख्तियार किया? मैडम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैडम हमने अपने वकला भाइयों के लिए जो जिन वकला को जिनका उस वकूए के साथ भी दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं था और उनको पुलिस ने बस काला कोट समझते हुए उठा लिया था, उनकी रिकवरी के लिए हमने पटिशन फाइल किया कि उन तमाम हमारे मुअज्जज़ मेंबरान को हाई कोर्ट में बरामद किया जाए, अदालत में पेश किया जाए, और जैसे मेरे भाई पहले ऑलरेडी कह चुके हैं, इनफैक्ट तो मैडम ये स्टेट फेलियर है, अगर इस पे रियासत उस पहले वकूए पे इमीडिएट और प्रॉम्प्ट एक्शन ले लेती तो ये सबसिक्वेंट इवेंट्स ना होते, और जो उसके बाद फिर अगर उसके बाद भी अगर डॉक्टर की जो वीडियो वायरल हुई थी अगर उसको उस वक्त काबू कर लिया जाता, उस वक्त उसके खिलाफ डिपार्टमेंट, दो दिन वो चलती रही है वीडियो, दो दिन वो चलती रही है और इनको पता था, और उस वीडियो के अंदर पूरी काले कोर्ट को तजी किया गया, ना कि किसी इंडिविजुअल किसी बंदे की बात की गई, किसी वकील की जात की बात की गई, तो अगर उस वक्त उस सबसिक्वेंट इवेंट को भी कंट्रोल कर लिया जाता तो मेरे ख्याल के मुताबिक इस वकूए के साथ ये ऐसा नाखुशगवार वाक़या जो कल वाक़या हुआ है वो ना होता। लेकिन दोनों सूरतों में हकूमत की खामोशी एक वो, मैं तो ये कहूँगा कि मुजरमाना गफलत है हकूमत की कि उन्होंने इस वकूए से निपटने के लिए उन्होंने वो जो उनको करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही है। आप देखें कि हमेशा से हम जब छोटे बच्चे थे तो हम सबक पढ़ते आए थे कि कील सीधा ठोंको, उसका क्या मतलब था कि अगर फर्ज करें आपने शुरू से इमारत एक ईंट ही गलत रखी है ना, तो वो एंड तक इमारत जो है वो टेढ़ी ही जाएगी और वो किसी ना किसी वक्त जरूर वो जमीन बोस हो जाएगी। यही बात हुई है कि अगर पहला जब डॉक्टर्स ने बदतमीजी की थी वकीलों के साथ, अगर वो डॉक्टर्स का मुहासबा किया जाता और उनको बर वक्त उनका इलाज कर दिया जाता, इलाज करने वाले सो कॉल्ड जो डॉक्टर है, मैं तो उन्हें डॉक्टर ही समझती कि एमरजेंसी जो इतना सीरियस जगह है वहां पर खड़े होकर वो गप्पे लगा रहे हैं बजाय अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के, उन्हें गवर्नमेंट की से तनख्वाह लेने का भी मैं तो समझती हूँ हक कोई नहीं है, तनख्वाह गवर्नमेंट की लेते हैं और गप्पे अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे क्यों नहीं वो गप्पे लगाते, जरा प्राइवेट क्लिनिक पे जाके डॉक्टर्स को देखें, एक लम्हे की वो ताखीर नहीं करते, कहीं इधर उधर जाते नहीं है, और अगर आप देखें उन्हें यहाँ पे जब वो गवर्नमेंट के इदारों में होते हैं तो मरीज बेचारे रुल रहे होते हैं, लाइने लगा के धक्के खा रहे होते हैं और वो अंदर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं, तो ये सारी जो बातें हैं ना ये बात बड़ी गलत है। मेरे साथ हमारे एक दोस्त और भाई एडवोकेट खड़े हैं, उनसे भी पूछते हैं। चौधरी उमर फारूक साहब के उनका इस वाक्य के बारे में क्या व्यू है? जी सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कल का वाक्य जो मैं इसे इस तरह बयान करूंगा कि ये वकला के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, वकला ने हमेशा जो है हर कोई माशरे में किसी किस्म का कोई किसी के साथ ज्यादती होती है या किसी किस्म का कोई कोई भी किसी जुल्म जुल्म होता है किसी किस्म का होता है, तो वकला ने हमेशा उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, ठीक है। और ये डॉक्टर्स का रवैया जो है कंडक्ट है ये सबके सामने है कि हॉस्पिटल्स में सरकारी हॉस्पिटल्स में पैरामेडिकल स्टाफ का और ये आम पब्लिक के साथ, ये तो वकला है, ये आम पब्लिक के साथ उनका क्या रवैया होता है, तो ये वाकया जो है ये इनकी मिसकंडक्ट की वजह से ये तूल पकड़ता गया। और जो स्टेट है मतलब जो हुकूमत है मौजूदा हमारी हुकूमत है, मैं उसका ये फेलियर समझूंगा कि
जो अरफान नामी जो डॉक्टर है जिसकी वीडियो वायरल हुई है, अभी तक उसकी हद तक किसी किस्म का कोई नहीं आया, जिसकी वजह से ये मामला सारा तूल पकड़ा है और उसकी कोई सस्पेंशन नहीं हुई, कोई किसी किस्म का मामला नहीं हुआ। अगर पहला जो वाकया हुआ है, इवेंट हुआ है, उसे जेल में होना चाहिए। और जो पहला जो वाकया जहां से ये शुरू हुआ है, जो डॉक्टरों ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने जो वकला को काले कोट को काले काली टाई को जो लेट डाउन करने की कोशिश की है, अगर उस पे ही ये अपना वो ले लेते हैं, इस पे इतना रिएक्शन शो करते ना जो आज कर रहे हैं, तो ऐसा कभी होना नहीं। तो ये मामला यहाँ तक ना बढ़ता। और हम आइन के कानून के रखवाले, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखने वाले लोग, हम अदम तशद्दुद के कायल हैं। ये सो कॉल्ड वाईडीए 22 करोड़ पाकिस्तानियों के टैक्स मनी से सैलरी उठाने वाले ये लोग, ये होश के नाखन लें। इदारों के तजहीक, इदारों का तमस्खुर उड़ा के अपनी तस्कीन और अना के लिए जिस नौबत पे आज पंजाब गवर्नमेंट, आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, मैं इनको कहना चाहूँगा 23 नवंबर को थाना सिविल लाइन में वकला पर जो तशद्दुद हुआ उसकी एफआईआर कटी। आज के दिन तक वो डॉक्टर्स जो इस एफआईआर में नॉमिनेटेड हैं, उनकी गिरफ्तारी अमल में क्यों ना लाई गई? कौन कल्प्रट हैं जो इनके पीछे पुश्त पनाही कर रहे हैं? और मरीजों और मीडिया और पुलिस के पीछे छुप के इन वाईडीए के गुंडों की स्याहकारियों को छुपाया नहीं जा सकता। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब जो के सो कॉल्ड सीएम है, दूसरे मोहम्मद सरवर गवर्नर पंजाब ऑनरेबल, इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मामले को फिल फॉर सॉर्ट आउट करके वाकये में मुलव्वस डॉक्टर्स जिन्होंने पीआईसी में एडमिट मरीजों को मुंह से मास्क उतारे, शीशे तोड़े, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया ताकि खबर बने, मीडिया में कवरेज हो और वकला की तोहीन और तजहीक की जाए, उनके खिलाफ फिल फॉर कार्रवाई की जाए और सरकारी नौकरियों से इनको बर्खास्त किया जाए, वाईडीए सो कॉल्ड पब्लिक फंड से, पब्लिक की टैक्स मनी से तनख्वाहें लेने वाले ये डॉक्टर्स ये किस कानून के तहत अपनी तंजीमें एसोसिएशन बना रहे हैं और उनके पीछे छुप के हड़तालें करते हैं? ये कमीशन खोर जो रोज़ लिबर्टियों से टेस्ट लिख के दे के उनसे अपने पैसे कमीशन वसूल करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ उनसे ये अपने कमीशन वसूल कर मेडिसिन लिखने के पैसे लेते हैं, जिन फार्मास्यूटिकल कंपनियों की ये अद्वियात लिखते हैं उनसे ये कमीशन खाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक में गरीब मरीजों को सरकारी हॉस्पिटल से वर्गला के उनको बहला पिसला के वहाँ पे ले जाते हैं कि वहाँ पे आपका अच्छा इलाज मुआलजा होगा, वहाँ से उनकी खाल उतारते हैं। और गुज़श्ता 2013 से आज तक ये हड़तालों पे और आए रोज़ हड़तालों पे ये वकला जो कि पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ इनका ये रवैया है, तो आम पब्लिक के साथ ये क्या करते होंगे? ये सोचने की बात है कि वकला के साथ उनका जब ये रवैया है तो आम पब्लिक के साथ इनका क्या रवैया होगा? आप ये देखिए, जब हमने एहतजाज किया तो आपके सामने नतीजा है ना कि फिर मोलते इल्ज़ाम भी हम ही को ठहराया गया। तो आम बेचारा बंदा जो अपना पेशेंट लेके आता है वो तो इनकी जान को सब्र करके वैसे ही चला जाता है, वो तो कुछ नहीं इनको कहता। और बात इनके इतने जुराइम है ना कि इनकी बात जुराइम की जो FIR है ना वो अर्श पर लिखी जाती है और इनकी इसी तरह इनकी ये जो इनके खिलाफ FIR है ये ऊपर लिखी जाएंगी। ये जो आम पब्लिक के साथ ये जो हरकतें करते हैं, लोगों के गुर्दे निकाल के बेचने वाले ये गुर्दा, अब सुने, गुर्दा फरोश डॉक्टर्स और PIC में जो कि 25,000 का स्टंट डलता है दिल के मरीजों के लिए, उनका ये 3.5-3 लाख वसूल करते हैं और उन स्टंट बनाने वाली कंपनी से कमीशन वसूल करते हैं। इस मुकद्दस पेशे को जिस तरह डॉक्टर इरफान, YDA का चेयरमैन, YDA का सदर सलमान हसीब, इन लोगों ने इस मुल्क को, 22 करोड़ आवाम को जिस तरह का ये मैसेज दुनिया में गया है,
کہ پاکستان کے ڈاکٹرز مسیحائی کے روپ میں درندے ہیں، ان کے خلاف فل فور ریاست کو ایکشن لے کے ان کو جیلوں میں بند کرنا چاہیے، ان کے لائسنس معطل کیے جائیں اور ان کو نوکریوں سے برخاست کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، بہت اچھی بات کی۔ اور میں یہاں پہ اس اپنے چینل کے حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی، جتنی بھی لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں، جتنی ہماری حکومتی مشینری ہے اور ہمارا پورا میڈیا ہے اور تمام پولیس ہے، آپ سن لیجئے کہ آپ صرف ڈاکٹرز کے نمائندہ نہیں ہیں، آپ تمام لوگوں کے نمائندہ ہیں، آپ 22 کروڑ کی پوری سوسائٹی، پورے پاکستان کے نمائندہ ہیں۔ آپ کس لیے پھر اتنے بائسڈ ہیں؟ آپ کیوں ہر بات پہ آپ وکیلوں کو آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ ذرا ان محرکات کو تو سامنے لے کے آ پائیں نا، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ قصور کس کا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو سب سے پہلے تیلی لگانے والا بندہ ہوتا ہے نا، سب سے پہلا قصور اسی کا ہوتا ہے، اور اس میں ڈاکٹرز اس میں انوالو ہیں۔ اور یہ بعد میں یہ جو ان کا یہ جو کوئی چائنا پلٹ یہ ڈاکٹر عرفان ہے، اس کی جو حرکت تھی، ڈیڑھ دو دن یہ ویڈیو وائرل ہوتی رہی ہے، تو کیا یہ سارے لوگ کہیں سوئے ہوئے تھے؟ اس بندے کو تو یہ ڈیٹیکٹ کر نہیں سکے، اس بندے کو تو یہ پکڑ نہیں سکے۔ اور جو نہتے وکیل وہاں پہ اپنا پورا من، کیا وہ اپنا پورا من احتجاج بھی نہ کرتے؟ کیا اپنی عزت اور حرمت کی وہ حفاظت نہ کریں؟ ہم اپنی عزت کی حفاظت کر سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی عزت ہے تو ہماری آپ سے ڈبل عزت ہے، کیوں نہیں عزت ہونی ہماری؟ اس ملک کو بنانے والے وکیل، اس ملک کا خواب دیکھنے والے وکیل، اس ملک کو آگے لے جانے والے وکیل۔ اور آپ دیکھیں کہ جب سارے دکاندار دکانوں پہ اپنی چیزیں بیچ کے پیسے کما رہے ہوتے ہیں، سارے نوکریوں والے اپنی نوکریاں کر کے، کریں تو بے شک نہ کریں، تنخواہ وصول کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ٹیکسوں سے، اور یہ وکیل پیٹ پہ پتھر باندھ کے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کس کے لیے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی تمام سوسائٹی میں نہ ہونے والے انصافی نا انصافیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہوتے ہیں۔ محترم ہاشمی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو کل کا ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، اس پہ پنجاب بار کونسل نے، اس پہ کیا اس کا پلان ہے اور کیا انہوں نے ایکشن لیا ہے؟ جی سر جی، سب سے پہلے تو میں اپنے نوجوان وکلا کو، تمام وکلا برادری کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے کالے کوٹ کے تقدس کے لیے اپنی جان پر کھیل کر ان تمام معاملات کا سامنا کیا ہے۔ پنجاب بار کونسل کا اس پہ بڑا واضح سا سٹینڈ ہے کہ جو کچھ حکومتی مشینری نے وہاں پر تشدد کیا، ڈاکٹرز نے ان کے ایما پر اور وہاں پر جو ان کے گماشتے تھے، انہوں نے وکلا کو تشدد کا نشانہ بنایا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک واضح لائحہ عمل دیا ہے۔ آج پورے پنجاب میں ہم اس پر سراپا احتجاج ہیں، اور پنجاب بار کونسل نے پورے پنجاب میں ہڑتال کی کال دی ہے۔ آج الحمدللہ اس کال کے نتیجے میں پورے پنجاب میں کوئی ایسی بار ایسوسیشن نہیں ہے جنہوں نے آج احتجاج نہ کیا ہو یا جنہوں نے اظہار یکجہتی نہ کیا ہو۔ ہمارا غم و غصہ اپنی جگہ پر اس لیے بجا ہے کہ ہمارے ساتھ انتہائی ناروا سلوک رکھا گیا، اور اس ڈاکٹر نے جس نے انتہائی اشتعال پھیلاتے ہوئے توہین امیز اور تضحیک امیز الفاظ استعمال کیے، خاص طور پہ جب ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کر چکے تھے اور ہم حکومت سے یہ کہہ چکے تھے کہ آپ اس سلسلے میں ان ڈاکٹرز کو گرفتار کریں، اس پر ان کی یہ تقریر اور اس کا یہ تضحیک امیز لہجہ، اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے تقدس کے لیے اس سے زیادہ بڑھ کر اقدامات کرنے ہوں گے۔ اگر حکومت ناقبت اندیشانہ طور پر اس پر خاموشی اختیار نہ کرتی اور یہ ایک ماہ سے جو سلسلہ چل رہا تھا اس پر بٹھا کر کوئی پارلیز کرتے اور اس پر ان معاملات کو بہتر طور پر افہام و تفہیم پیدا کرتے، تو شاید یہ آج واقعہ نہ ہوتا۔ میں مذمت کرتا ہوں اس مقدمے کی، اس ایف آئی آر کی جو ہمارے خلاف کی گئی ہے۔ دہشت گردی کی دفعات جتنی مرضی لگا لیں، ہم نے ہمیشہ عہد کیا ہے کہ ہم ان قوتوں سے ٹکراتے رہے ہیں جو ہمارے اس کالے کوٹ کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی عزم کرتے ہیں کہ نہ ہم ان کے لاٹھی چارج سے جو ہے وہ گھبرانے والے ہیں، نہ ٹیئر گیس سے گھبرانے والے ہیں۔ ہم نے آمریت کا مقابلہ بھی کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اب بھی اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ہمارا موقف بالکل واضح اور درست ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانون کی عین مطابقت میں ہے۔
शाहिद डेढ़ साहब मेरे साथ हैं और इनसे पूछते हैं कल के वाक्य पे। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं समझता हूँ इस मामले में भी जब पहले जो वकुआ हुआ पीआईसी में वो इसी चीज़ को देखा जाए तो उसमें यही था कि जो राइट्स शहरियों को प्रॉपर उधर नहीं दिए जाते वो हम जानते हैं कि अपने ग्रीवेंस को किस तरह प्रेजेंट करना है लीगली एज ए सिटीज़न। इसी तरह वो भी हमारा उधर जो था जेन्युइन ग्रीवेंस था कि आप एक जिस तरह आप हमारा राइट है हम शहरी हैं उस तरह हमने ट्रीट नहीं करते हैं आप लोग, उस पर उन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया और उसके बाद जो हमारे साथ ज्यादती है ये हुई कि हमारी एफआईआर पे कोई भी प्रोसीजर लॉज कोई भी जाब्ता फौजदारी का प्रोसीजर नहीं अपनाया गया, पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया उनको। अगर बार वक्त उनकी अरेस्ट हो जाती उनकी तलबी हो जाती तो फिर ये इस तरह के मामले आगे ना बढ़ते। और रही बात उस डॉक्टर की जो मुश्ताल वीडियो थी उसमें इस तरह पेश किया गया, एक तो देखा जाए कि उस वीडियो में वो खुद कानून शिकनी कर रहे हैं, जी हमने सरेंडर नहीं किया, हमने कानून के आगे सरेंडर नहीं किया। तो ये मीडिया के हवाले से भी मैं चाहूँगा कि हमारी इस बात को सामने ला के लाजमन देखा जाए कि हमने कहाँ कानून की खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने कानून को तोड़ा, उन्होंने मुश्ताल तकरीरें की और उसके बदले में जो वाकया कल का भी हुआ है उसमें भी हमारी कम्युनिटी पे बेजा इल्ज़ाम हैं, वो सोशल मीडिया पे हूँ नेशनल मीडिया पे हूँ, किसी ने भी उधर पेशेंट को किसी वकील ने भी इन्होंने डॉक्टर्स ने खुद वेंटिलेटर्स उतारे पेशेंट्स के और मुद्दा वकला पर डाल दिया। और ये कोई भी नहीं दिखा रहा मीडिया कि किस तरह वकला को तशद्दुद का बाद में पुलिस ने निशाना बनाया। और बल्कि सर ये कि जिन जिन लोगों ने इनकी वीडियो बनाई थी ना वेंटिलेटर्स उतारते हुए और गैस सिलेंडर उनके बंद करते हुए और सारी चीज़ें, आप ये देखिए कि उन लोगों के इन्होंने मोबाइल भी ले लिए और मोबाइल तोड़ के फेंक भी दिए, ये सारा काम भी किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी रही बात, तो हम तो हमेशा राइट्स की और लाज की बात करते हैं और इसमें भी जो हमारे साथ जाती है ये देखें उनकी एफआईआर पे उनको पेश ही नहीं किया गया और इधर अरेस्ट पुलिस का काम था और हमारे ऊपर दहशतगर्दी के अपना और रात बगैर एफआईआर के एफआईआर के बगैर एफआईआर बाद में हुई है गैर कानूनी तौर पे उठाया गया पहले किया क्योंकि वकला के घरों पे छापे मारे गए। वेरी सैड थैंक यू सर। एडवोकेट जुनेद अख्तर मौजूद हैं लेबर लॉज रिफॉर्म कमेटी हाई कोर्ट की, उनके ये चेयरमैन हैं वाइस चेयरमैन हैं और ये कल के वाक्य पे थोड़ा सा मुख्तसर बताइएगा बेटा कि कल जो हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं और ये क्यों हुआ है और ये आइंदा फ्यूचर में इसका क्या लाया अमल हो सकता है। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये कहूँगा कि डॉक्टर्स जो हैं वो सैलरीड पर्सन हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और इनको हड़ताल ये चीज़ें सूट नहीं करती। जितनी मरात इनको गवर्नमेंट ने दी है उसका 1% भी वकला इंजॉय नहीं कर रही है सारा कुछ। दूसरी बात मैडम ये कि जो सारी चीज़ें ओपीडीज़ बंद कर देते हैं इनका बिहेवियर जनरल पब्लिक के साथ जैसा होता है वैसा ही इनका वकला के साथ भी है, तो इसकी बिल्कुल कंडेम करनी चाहिए। और ये जो सारा मैटर है अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती मुलजमान को, हमारा सिर्फ ये था एफआईआर के मुलजमान को अरेस्ट किया जाए, पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। दूसरी बात जो अबेटमेंट कर रहा था जो डॉक्टर वो यहाँ पे इसी हाईकोर्ट के फॉर्म से भुट्टो साहब को अबेटमेंट में फांसी की डेथ सेंटेंस हुई है तो मैं जो अबेटमेंट कर रहा था उसको भी रात को अरेस्ट कर लेते तो कुछ ना होता ऐसे। जब एक मोब जाता है तो आप जज्बात को किसी के कंट्रोल नहीं कर सकते। इंडियन सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट है कि आप जज्बात तो अगर कोई फैसला ऐसा नहीं भी होता लेकिन लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं तो आप वो करने के मतलब उसके पाबंद हैं, तो मैडम ये नहीं होना चाहिए था। ये आप मॉब की जो जज्बात को आप बिल्कुल रोक नहीं सकते। डॉक्टर्स ने जो किया उनकी अभी भी देखें वकला अरेस्ट हैं डॉक्टर्स अरेस्ट नहीं है। जुनेद की बहुत बात दुरुस्त है कि अगर पहले इस पर एक्शन कर लिया जाता और ये जो इसमें शामिल हैं ये जो इन्वॉल्व हैं डॉक्टर्स उनको पहले अरेस्ट कर लिया जाता तो ये सारा हालात ये इतने बुरे हालात नहीं होते। टेबल पर जब सुलह हो गई है उसके बाद ये वीडियो आने का जो मकसद है आप जज्बात को लोगों के बाहर रहे हैं। और ये दूसरी बात मैम फयादुल हसन चौहान साहब वो 15 दिन कहाँ थे और फिर भी आप आने के बाद उस रिएक्शन की तवक्को ना करें कि आज वो डॉक्टर्स की वजह से आ गए हैं, यास्मीन राशिद साहब आ गए हैं, बड़े बड़े वुजरा वकील हैं, कोई नहीं आया वकला के लिए तो ये डॉक्टर्स के लिए आ गए हैं। कल का वाकया जो हुआ है जी ऐसा होना तो नहीं चाहिए था लेकिन जो हुआ है वो सिर्फ हुआ है कि जो डॉक्टर्स ने एक वीडियो वायरल की है उसकी वजह से हमारे नौजवान कम्यूनिटी जो लायर्स की है वो जज्बाती हुई है
और उनका खून खौला है कि जब हमारी एक सुलह हो गई है तो सुलह के बावजूद ये दोबारा जो इनको इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इनको बदनाम कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी को, वो नहीं करना चाहिए था। इस वजह से जो वकला हैं वो कल ज़रा अपना जज्बात में आए हैं और गुस्सा उन्होंने निकाला है, जो कि लायर्स को किया है वो मजबूरन किया गया है लायर्स ने। यानी लायर्स को, लतीफ़ खोकर साहब का मौकफ़ ये है कि लायर्स को, यानी आप देखें ना, तंग आमद बजंग आमद, आप एक बंदे को इस लेवल पे उसको डिस्टर्ब और इस लेवल पे उसको तंग कर देते हैं कि वो हर हाल में आपसे जंग करे ही करे, तो फिर आप किस लिए ये सारी बातें कर रहे हैं? आपको पहले उन मुहरकात को रोकना चाहिए था ना। बेसिक जो लड़ाई शुरू हुई है उस पर भी जब वहाँ पे वकला के साथ ज्यादती की गई है, वहाँ पे तशद्दद किया गया है, उसके बाद FIR हुई है, FIR में भी किसी किस्म के किसी डॉक्टर को अरेस्ट नहीं किया गया। उसके बाद एक मीडिया पे छोटी सी एक उनकी डॉक्टर्स की बात पे माफ़ी मांगी गई है, उस पर वकला ने तो फिर भी खामोश हो गए। तो उसके बाद जब एक खामोशी हो गई या सुलह हो गया, तो उसके बाद दोबारा इनका नहीं बनता था कि एक वीडियो वायरल वकीलों के खिलाफ कर दें, उनकी तस्दीक की जाए, उनकी बेइज्जती की जाए और काले कोर्ट को बदनाम। यानी आप देखें कि जो बुराई की एक जो जड़ दोबारा से बोई है वो उसी डॉक्टर इरफान ने बोई है जिसने ये सारी बदतमीजी वायरल की और फिर उसके बाद ये हुआ। उसको अरेस्ट कर लेते तो अरेस्ट, और अब भी उसे अरेस्ट नहीं किया गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाज़रीन, अब मेरे साथ मौजूद हैं जनाब वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जनाब मोहतरम कबीर अहमद चौधरी साहब। उनसे थोड़ा सा मैं, एक तो कल का जो वाक़या है मुख्तसरन वो हाईलाइट करें, और यकीनन वो भी इतने ही दुखी हैं जितने हम हैं, और उसके साथ साथ थोड़ा सा हमें ये भी बताएं कि आगे जो है वो कैबिनेट ने क्या लाया अमल तय किया है, और अभी चीफ जस्टिस साहब से भी मुलाकात हुई थी और पंजाब बार ने, इसके बारे में अब मज़ीद क्या कर रहे हैं? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, एक तो पाकिस्तान की तारीख में कल जो वाक़या हुआ है, इस सब से हम सब के दिल जो हैं वो दुखी हैं, क्योंकि एक दो इंस्टीट्यूशन हैं डॉक्टर्स के और लॉयर्स कम्युनिटी के, इनका आपस में इस तरह से ये मामलात बनना इंतहाई अफसोसनाक है। आगे अब दूसरी बात ये है कि हमारे वकला जो हैं वो इसमें अरेस्ट हुए हुए हैं, ज़ख्मी हुए हुए हैं, जो कस्टडी में हैं, एक उनके लिए एफर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो डॉक्टर साहबान या पब्लिक के जो व्यूज़ हैं वो एक अपनी जगह उनकी हैसियत है। अब मामला चल रहे हैं, हमारी तो पूरी कोशिश है किसी ना किसी तरह इस मामले को संजीदा तरीके से जो ना हल किया जाए, ताकि हमारे कंट्री में, हमारे मुल्क में, लाहौर में अमन व सुकून से दोनों अदारे अपना अपना काम। सर, आज जनरल हाउस का इजलास आपने किया है, उसमें आपने क्या फैसला किया है? जनरल हाउस का आज इजलास हुआ जी, उसमें एक कमेटी बना दी गई जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल के मेम्बर्स, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल, हाई कोर्ट बार और पंजाब बार कौंसिल सब ने मिल के एक कमेटी बनाई। उसके बाद वो कमेटी ने चीफ जस्टिस साहब ममून रशीद जो पियोने जज हैं उनसे आज मुलाकात की, उसमें ये सारी बातें तय पा रही थी। उन्होंने यही इसमें कहा कि जी मुझे टाइम दें, इसमें मामलात को थोड़ा सा आगे चलने दें, देखते हैं। अब ये है कि अभी दोबारा एक मीटिंग होगी दो घंटे के बाद, उसमें देखते हैं फिर अगला क्या लाअमल बनता है, वो उनकी मीटिंग के बाद ही बने। अच्छा सर, चीफ जस्टिस साहब से आपने यकीनन अपने हमारे वो जो लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है बिलावजह, और उसमें आप सर, इसमें आप क्या कहेंगे कि आप देखें ना कि अगर ये इस तरह हम लोगों को यूं बदनाम कर रहे हैं जी, ये तो वकला गर्दी थी वगैरह वगैरह, तो सर इसमें डॉक्टर तो कोई एक भी अरेस्ट नहीं हुआ आप देखिए ना, हालांकि लड़ाई झगड़ा जो शुरू से हो रहा था लड़ाई झगड़ा, अगर उसमें आपका क्या ख्याल है कि अगर उस पर भी इस पर एक्शन ले लिया जाता, उन वो जो उस वाक्य के जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता तो हालात यहाँ तक तो ना पहुँचते? असल में पहले जो भी मामलात हुए उनका एक अच्छा रुख बन के सुलह हो गई, उसके बाद देखें एक डॉक्टर कामरान है जिसने एक वीडियो बना के, इरफान, डॉक्टर इरफान, उसने वो वीडियो जो है वायरल की, जिसके बाद ये मामलात सारे उठे हैं और सारा इसका महर्रक वो है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर उस डॉक्टर को अरेस्ट करें, अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेट करें मामले को, और यकीनन आपको उसके पीछे कोई बड़ी स्कीम मिलेगी जिसने ये सारा मामला जो है उठाए। सर, मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम की तवस्त से ये आपसे कहना चाहूँगी कि क्योंकि आप हमारी एक मुंतखब बॉडी हैं, सदर है, सेक्रेटरी है, या आप माशाल्लाह वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप जिम्मेदार पोस्ट पे हैं, फ्रांस सेक्रेटरी है, तो वकला को सर आपसे उम्मीदें भी बहुत हैं और वो चाहेंगे कि जो हमारे काले कोर्ट का तकद्दस है वो कायम रहे, तो उसके लिए सर आप क्या करें? देखिए जी, हम तो रात से लगे हुए हैं, सोए नहीं हैं, भागे फिर रहे हैं। प्रायोरिटी ये है जो हमारे वकला अरेस्ट हैं उनको फ़ौरन रिलीज़ करवाएँ, और जो जिन जो ज़ख्मी हैं उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिलवाएं।
باقی معاملات تو چلتے رہیں گے، صلح بھی ہو جائے گی، الٹیمیٹلی اس میں پیچا بھی ہونا ہے، صلح ہی ہونی ہے اور معاملات اچھے طریقے سے حل ہونے ہیں، لیکن وکلا کو فوری طور پہ رہا کروایا جانا ہمارا مین فرسٹ پوائنٹ. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. رانا اقبال صاحب سینئر ایڈوکیٹ میرے ساتھ موجود ہیں، تھوڑا سا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ سر مختصراً ظاہر ہے کہ میں نے جیسے بتایا ہے کہ جیسے ہم سب دکھی ہیں وہ بھی دکھی ہیں، تو سر یہ کیا کل کا واقعہ ہے اس پہ کیسے ہائی لائٹ اس کو کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ کل کا جو واقعہ ہے جیسے وائس پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے، یہ ڈاکٹر عرفان کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے مین وجہ اس کی وہی بنی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سائڈ پہ بھی اتنا زیادہ ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے تھا. چلیں اب ہو گیا ہے ریئیکشن تو معاملات کو تصفیے کی طرف جانا چاہیے. رات کو میں ایک ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، غالباً ہم ٹی وی پہ تھا، وہاں پہ ان کا ایک عہدیدار ہے ڈاکٹر ارسلان حبیب، چیئرمین ہے وائی ڈی اے کا، ینگ ڈاکٹرز کا، تو وہ پھر تانے دے رہا تھا لائرز کو کہ آپ نے تو مار کھائی ہے ہمارے خاک روبوں سے وہاں پہ پی آئی سی میں. اور اب آپ خود ملاحظہ فرمائے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میں خود دیکھ رہا تھا اس پروگرام کو اور اس میں وہ فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب، مجھے ان سے مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی میں عزت کرتا ہوں، لیکن اس طرح کا آپ آن ایئر اس طرح کی بات کر رہے ہیں، آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں، بھائی ڈی کہ آپ چیئرمین ہیں تو دوبارہ پھر ہوا دے رہے ہیں. آپ ڈاکٹر عرفان کا طریقہ کار اپنا رہے ہیں کہ آپ نے تو ہمارے خاک روبوں سے وہاں پہ مار کھائی ہے اور ہمیں آپ نے جان بوجھ کے انوالو کیا ہے، وکلا نے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. یہ آپ ہمیں پھر تانے دے رہا تھا اور یہ اچھی بات نہیں ہے. معاملات کو اگر سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے تانے ایک دوسرے کو، ہم لوگ پڑھے لکھے بندے ہیں، ہمیں جو ہے اس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ جو جیسے دیہاتوں میں وہ ماسیاں نہیں لڑتی، تو اس طرح سے ٹی وی پہ آ کے آپ اس طرح بات کر رہے ہیں. غلام ساہر اوان صاحب بھی اس پروگرام میں تھے، انہوں نے جب بھی بات کر حقیقت بات بتانے کی بات کیا تو وہ میزبان صاحب جو ہیں وہ اس کو فوراً ٹوک دیتے تھے، اس کی بات ہی نہیں مکمل. سارا میڈیا ان سے ملا ہوا ہے، تو میڈیا جو ہے اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے میڈیا کو. جو ایک بات پہ میں خوش ہوں کہ رات کو انہوں نے کم از کم ڈاکٹر عرفان کی وہ ویڈیو وائرل کی ہے، وہ تو وائرل کی ہے، اس سے معاملہ بیلنس ہوا ہے کافی، لیکن یہ جو ساتھ مسالہ خود لگاتا ہے نا میڈیا، یہ بری بات ہے. ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ادھر سارا دن ہوتے ہیں، ہم وہ پروفیشنل ہیں، ان کا پروفیشن ہے، ہمارا پروفیشن ہے، تو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے اور اس طرح سے معاملات کو سارٹ. جناب محترم شمیم الرحمان صاحب، سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، ایک ذمہ دار پوسٹ، ذمہ دار شخصیت، وہ میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتی ہوں کہ سپریم کورٹ لیول پہ یہ کیسا اس واقعے کو دیکھتے ہیں. جی سر، اس واقعے کے لیے ابھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہے، اس کا میں بھی ممبر ہوں. سب تمام فورمز کی کمیٹی ہے وہ، ہائی کورٹ بار کی، پنجاب بار کی، لاہور بار کی، ہائی کورٹ بار کی، پورے پاکستان کی باروں کی وہ کمیٹی ہے. ابھی ہم لائے عمل اس کا تیار کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلدی میرا خیال ہے 3:30 تک ہم آپ کو اس کا جو لائے عمل ہے وہ سارا دیتے ہیں کہ جو ہم آگے کر رہے ہیں. لیکن سر یہ میں تھوڑا سا آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نمائندے وکیلوں کے، وکیلوں نے بڑے مان کے ساتھ اپنے دوستوں کو ظاہر ہے کہ نمائندہ بنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کالے کورٹ کے تقدس کا خیال رکھیے گا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ میڈیا وار جو ہو رہی ہے وہ یک طرفہ ہے، بالکل آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ یک طرفہ میڈیا وار ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میڈیا بھی ساتھ ملا ہوا ہے، ڈاکٹر بھی، ایون یہ کہ حکومتی مشینری جو ہے وہ بھی وکیلوں کے خلاف ہے، وہ بھی ڈاکٹروں کو برا نہیں کہہ رہی، تو سر یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی نئی سچویشن نہیں ہے، ہم نے جب بھی لڑائی لڑی ہے ان سب کے خلاف لڑی ہے اور اس سے بڑی لڑائیاں لڑی ہیں، یہ تو بڑی بالکل چھوٹی سی لڑائی ہے. اگر ان کو کوئی غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی لڑائی ہے، یہ چھوٹی سی لڑائی ہے اور انشاءاللہ ایک آدھ دن میں یہ اس لڑائی میں وہ جو وکلا کا تقدس ہے وہ قائم رہے گا، جو وکلا کی کریڈیبلٹی ہے، جو انٹیگریٹی ہے وہ قائم رہے گی انشاءاللہ. اچھا سر تھوڑا سا ایک یہ کہ کیونکہ یو آر سو ایک لا نوئنگ پرسنالٹی ہیں اور ماشاءاللہ ایک بڑے ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، سر یہاں پہ ایک میرا یہ کوشچن بنتا ہے کہ کیا یہ جو سرکاری ملازمین ہیں، آپ دیکھیں کہ تنخواہیں وصول کرنے والے لوگ، کیا یہ اپنی یہ ساری یہ جتنی بھی انہوں نے سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں اس کے تحت احتجاج کرتے ہیں، یہ سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، تو کیا ان کو ہمارا آئین اجازت دیتا ہے، پرمٹ کرتا ہے ہمارا آئین؟ دیکھیے، نہ یہ ہڑتال کر سکتے ہیں، نہ سڑک بند کر سکتے ہیں، نہ کام چھوڑ سکتے ہیں. بلکہ میں نے تو پہلے بھی اس واقعے سے 10 دن پہلے کا میں نے کہا تھا عاصم چیمہ صاحب کو کہ آپ کو چاہیے کہ بار میں ایک فری لیگل ایڈ سیل بنائیں ان لوگوں کے لیے جب یہ ہڑتال پر ہوتے ہیں اور وہ لوگ اپنے مریض لے کے جاتے ہیں اور مریض مر جاتے ہیں اور لوگوں کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں،
उन बेचारों के लिए तो रेमेडी का कोई जगह नहीं है। अगर हमें चाहिए कि हम यहाँ पे लीगल एड सेल बनाएं और उन लोगों को फ्री लीगल एड दें जो इनकी स्ट्राइक की वजह से उनको नुकसान होता है, और दूसरी बात यह कि हम हाई कोर्ट में भी पिटीशन कर सकते हैं और करेंगे कि ये तो हड़ताल कर ही नहीं सकते, इनका मैंडेट ही नहीं है क्योंकि ये सरकारी मुलाजिम है, तो ये बिल्कुल जो है इलीगल हो रहा है और इसके खिलाफ यकीनन हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस ऑफ यू। और ये वाकई उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि ये लोग तो हड़ताल कर ही नहीं सकते, ना ही लॉ में कहीं इनको परमिट किया जाता है, ना आईन में लिखा है कहीं पे। ये लोग तो सरकारी मुलाजमीन है, ये अपनी अपनी जो मुलाजमत करते हैं उसकी तनख्वाह वसूल करते हैं, और वो तनख्वाह कहाँ से जाती है, ये हम सब के ये तो टैक्स का पैसा है, उसमें से इनको तनख्वाह दी जाती है। और अफसोस की बात देखें कि ये हम ही पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं और हम ही पे चढ़ दौड़ते हैं। हम बहरहाल ये है कि हम किसी से कुछ लेके नहीं खा रहे होते, और वैसे भी बेशक इन स्पाइट ऑफ ऑल थिंग्स फिर भी हम एक अमन के सफ़ीर हैं और हम अमन ही चाहते हैं। नाज़रीन, आपने ये सारे आज ये व्यूज़ देखे, आपके सामने ये सारी बातें आ जाएंगी और आप ये देख लेंगे कि ये क्या हुआ है और किस तरह जो है वो यकतरफा कार्रवाई की जा रही है वकीलों के खिलाफ। हमेशा एक काले कोर्ट को जो है वो डिस्टर्ब किया गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काले कोर्ट ने हमेशा अपने तकद्दस को बहाल रखा है और हमेशा अपनी ये जो वॉर है वो लड़ी है और उसको जीता है, क्योंकि हम हमेशा हक और सच पे होते हैं, हम गलत बात कर ही नहीं सकते। तो आज का ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करती हूँ, इंशाल्लाह आई होप और मैं दुआ करती हूँ कि ये तमाम मामला जो है वो बहुत एमिकेबली सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ये दो कम्युनिटीज़ के दरमियान जो काला कोर्ट और वाइट कोर्ट है इसके दरमियान जो लड़ाई है, और इसके दरमियान जो पिछले वाली कम्युनिटी है, हाँ वो आप ये देखें, ये बेशक अदालतों में आने वाले लोग हैं उनके भी बड़े राइट्स उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, और फिर ये जो हॉस्पिटल में जाने वाले लोग हैं वो तो बेचारे वैसे ही आप देखें कि एक एमरजेंसी से गुजर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला इन सब पर रहम करे और इन सब को जो है वो हिदायत दे और आइंदा के लिए ये सारे मामलात ना हो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। जस्ट वन टीवी जनाब आपके साथ है, और जहाँ पर वकीलों की आवाज़ होगी जस्ट वन टीवी आपके साथ होगा। नरगिस नाहिद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, फी अमानल्लाह।